हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है दाल माश। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत इजीली बन जाती है। आगे विंटर्स है और विंटर्स में आपको पता है दाल बहुत शौक से खाई जाती है। चले अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। दाल माश के लिए मैंने 3 टोमेटोज लिए हैं, 2 अनियंस लिए हैं, गार्लिक क्लॉव्स मैंने 3 to 4 लिए हैं, कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज डाली हैं 2, उसको मैंने चॉप कर लिया है, 1/4 कप ऑयल लिए है। इसके बाद सीजनिंग के लिए सॉल्ट एज पर टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने ट्राई करनी है। इसके बाद मैंने दाल ली है 1 कप, इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए पानी में सोक कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको बॉयल करके निकाल लिया है। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने अनियन डाल दिया है। इसके बाद मैंने अनियन को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई की है। अनियन का कलर जब ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे टमेटोज, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। गार्लिक के मैंने क्लॉव्स ऐसे ही ऐड कर दिए क्योंकि मैंने स्टीम देना था, आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, इसके अंदर 1/2 ग्लास वाटर डाल के इसको स्टीम दे दिया है। स्टीम देने के बाद मैंने इसकी ये लुक आ जाएगी इसके अंदर मैंने बाकी सारे सीजनिंग ऐड की है। सीजनिंग ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए फिर दम पे रख दिया है ताकि इसकी साइड्स पे ऑयल आ जाए। जब साइड पे ऑयल आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल जब भी आपने बॉईल करनी है आपने दाल को ओवर बॉईल नहीं करना क्योंकि अभी हमने दाल को दोबारा स्टीम देना है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और उसके बाद मैंने इसको 7 to 8 मिनट्स के लिए कवर कर दिया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको स्टीम दे दिया है। स्टीम देने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। इसके अंदर मैंने डाला है कोरिएंडर, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करेगा, बहुत ईजीली बन जाती है और बहुत शौक से खाई भी जाती है। इसके बाद मैंने दाल को सर्व किया है तंदूरी रोटी के साथ, अचार के साथ और कचूमर सैलड के साथ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेगा, इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर देगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकती हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।